शुक्रवार को क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर वाड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक वाहन से प्रतिबंधित सुगंधित मेन एंड गोल्ड कंपनी के तंबाकू के कुल 39 बड़े पार्सल जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम को गुप्त सूचना मिली कि वाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित तंबाकू का भंडारण एवं परिवहन एक वाहन के जरिए किया जाने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम द्वारा उक्त स्थान पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां से प्रतिबंधित सुगंधित मैन एंड गोल्ड कंपनी तंबाकू के कुल 39 बड़े पार्सल मिले, जिनकी कीमत 5,50,000 बताई जा रही है। इसी के साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है, जिनमें वाड़ी निवासी 32 वर्षीय इशाद अब्दुल जब्बार खान जूनागढ़, गुजरात निवासी मोजम सयाजी, वाड़ी निवासी प्रफुल्ल रेवाराम जी भूरे शामिल हैं। 3 आरोपियों को वाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। काल दिनांक 3/8/23 रोजी आमचं युनिट 2 पथक पोस्ट आपल्या युनिट एरियामध्ये पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना माहित पडलं की खडगाव रोड लावा पुलिसने वाडी हद्दीमध्ये एक JP ट्रान्सपोर्ट कंपनीचं एक गोडाऊन आहे, तिथे प्रतिबंधित असलेला सुगंधित तंबाखू हा मोठ्या प्रमाणात साठा केलेला आहे आणि काही माल हा ट्रक आयशरने आलेला आहे। अशा माहितीवर आम्ही सर ठिकाणी पोहोचलो असता आणि सर गोडाऊनची झडती घेतली असता आम्हाला त्या गोडाऊनच्या आतमध्ये तसेच त्या आयशर ट्रकमध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखूचा साठा मिळू आला। त्यावरून आम्ही त्वरित फूड अँड ड्रग्सचे अन्न सुरक्षा अधिकारी ललित सोयाम यांना पत्र देऊन बोलविलं आणि त्याच्यासोबत पंचनामा कारवाई केली। जवळपास आम्हाला 5,05,000 रुपयाचा एवढा सुगंधित माल तो मिळू आलेला आहे। त्यानुसार पोलिसवाडी येथे तक्रार देण्यात आलेली असून अपराध क्रमांक 470/2023 अन्वये गुन्हा हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पुढील तपास सुरू आहे। यात एकूण 3 आरोपी आहेत। त्यात जो गोडाऊन ज्याने भाड्याने घेतला होता तो गुजरात येथे राहतो, मोजम सयाजी म्हणून आहे, आणि जे दुसरी दोघं आहेत ते त्याचे मॅनेजर आहेत, जे त्या गोडाऊनचं पूर्ण काम पाहतात। त्यांनी तिथे तो साठवणूक करून ठेवलेला होता तो पूर्ण माल, आणि त्यांनी तो कुठून आणला ते कुठे पूर्ण होते त्यावर अधिक तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।